एक बार क्या हुआ, एक शिष्य गुरु के पास चला गया और गुरु जी से बोला, गुरु जी सफलता कैसे प्राप्त करें, कोई तरीका बताओ, इतने लोग सफल हो रहे हैं, मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। गुरु जी ने बोला कि कल सुबह 9 बजे आना और कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका कि सफलता कैसे प्राप्त करें। सुबह शिष्य 9 बजे गुरु जी के पास नहा धो के पहुंच गया। लो गुरु जी आ गया। मैं गुरु जी उसको नदी के किनारे ले गए और नदी के अंदर उतरने लगे और पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। और जैसे ही पानी गर्दन तक आया और गुरु जी ने गर्दन को पकड़कर शिष्य की पानी के अंदर दे दिया। और अब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, शिष्य तड़पने लगा बाहर निकलने के लिए, अभी सांस नहीं आ रही है। गुरु जी मजबूत थे, कस के पकड़ के रखा। और 4 मिनट के बाद में जैसे ही गुरु जी ने पानी से बाहर निकाला और शिष्य ने एक लंबी सांस की और गुरु जी अभी तो मर जाता, अभी ये क्या किया क्या। गुरु जी ने बोला कि जब पानी के अंदर था तो तेरे को सबसे ज्यादा कौन सी चीज की आवश्यकता थी। उसने कहा, गुरु जी सांस की। बस अब तेरी सफलता का यही राज है, जिस दिन तुझे सांस लेने के बराबर की विल पावर प्राप्त हो जाएगी और इतनी विल पावर डेवलप हो जाएगी उस दिन तेरे को सफलता मिल जाएगी। और गुरु जी ने कहा कि तेरी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि तेरी जो लक्ष्य प्राप्त करने की विल पावर है वो बड़ी कमजोर है, बहाने बहुत बनाता है। गुरु जी आज तुम्हें आ गयो क्लास में, आई जो कौन आज गुरु जी मार बस आई कौन, ये बहानेबाजी छोड़िए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से काम कीजिए। बहाने बनाकर आप अपने आप को एक बार दो बार संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन फाइनली अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सारी चीजें, सारी समस्याएं किनारे करनी पड़ेगी और बहाना साइटिस की जो बीमारी है उसे निजात पाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी।